Hello everyone, welcome back to my channel. And today, in this video, we are going to discuss a poem written by L.B. Phillips that is Meadow Surprises. So, this is the poem of class 7th from Honeycomb Book. So, first, let's get to know the meaning of this topic of the poem Meadow Surprises. तो मीडो का मतलब होता है घास के जो मैदान होते हैं ना बड़े बड़े जिसमें गाय भैंसे चरते हैं बहुत बड़े बड़े मीडोज ठीक है मतलब घास के मैदान हरे हरे घास के मैदान मीडोज़ और सरप्राइजेस का मतलब तो आपको पता ही होगा सरप्राइज यानी आप कोई चीज़ आपको एकदम सरप्राइज कर दे आप बिल्कुल चौक जाते हो खुश हो जाते हो उसे देख के सरप्राइज यानी चौक जाना सरप्राइजेस तो मीडो सरप्राइजेस सो लेट्स बिगिन दिस पोएम विदाउट एनी डिले मिडोज़ हैव सरप्राइजेज़ यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक तो जो मिडोज़ हैं उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे हुए होते हैं यानी घास के हरे हरे घास के जो मैदान होते हैं उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे हुए होते हैं और आप उनको ढूँढ भी सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से उनको देखेंगे तो आप खुद भी उन सरप्राइजेस को ढूँढ सकते हैं वर्क सॉफ्टली थ्रू द वेलविट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक और जो ग्रास है वेलवेट ग्रास का मतलब है यहाँ पे जो सॉफ्ट सॉफ्ट से घास होते हैं ना वेलवेट तो वैसे एक कपड़ा होता है तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है यहाँ पे बताया गया है कि उसी वेलवेट की तरह वो जो घास है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो अगर हम उन घास पे चलेंगे सॉफ्ट घास पे वेलवेट घास पे उन सॉफ़्ट सॉफ्ट घास पे चलेंगे और अच्छी तरीके से हम ब्रू की आवाज़ सुनेंगे ब्रू का मतलब होता है कि पानी का बहना तो हम शायद मिडोज़ में सरप्राइजेस को ढूंढ सकते हैं यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप और अगर आप शायद किसी घास के मैदान में जाए तो आप वहाँ पे एक बटरफ्लाई को भी देख सकते हैं यानी तितली को भी देख सकते हैं जो कि रेस्ट कर रही होती है कहाँ पे बैठी हुई है कहाँ पे बटर कप पे बटर कप का मतलब है उनके लिए तो फ्लार ही हो गया जहाँ से वो लोग अपना नेक्टर पीते हैं ठीक है जो फूल का रस है वो पीते हैं तो वो फूल पे ऑफ कोर्स सी बात है जो बटरफ्लाईज होती हैं वो तो होती ही हैं हरी हरी ग्रीनरी जहाँ पे होती है वो तो होते हैं जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे बटरफ्लाई होते ही हैं तो आप देख सकते हैं अगर आप मिडोज़ में जाएंगे एक बटरफ्लाई को जो कि अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप जिसने अपने स्ट्रॉस को खोला हुआ है नेक्टर को पीने के लिए नेक्टर का मतलब अमृत होता है वैसे पर यहाँ पे नेक्टर का मतलब हम कह सकते हैं फूलों का रस तो जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं बटरफ्लाइज होते हैं ये सारे बीज होते हैं ये सारे नेक्टर पीते हैं ठीक है यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल तो आप जो एक रैबिट है जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है आप उसको भी डरा सकते हैं स्केयर का मतलब डराना दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वेन ही होप्स यू विल और हालांकि आप शुरू में उसको नहीं देखेंगे अगर वो कहीं शांत छुप के बैठा हुआ है तो हमारी नज़र उस पर नहीं जाएगी लेकिन जैसे ही वो उछल कूद के हमारे आगे से गुजरेगा तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं अ डेंडिलियन हुज फजी हैड वॉज गोल्डन डेज गो हैज़ टर्नड टू एयरी पैराशूट्स दैट फ्लटर वैन यू ब्लो तो डेंडेलियन एक फ्लावर होता है जिस आपने शायद देखा होगा कि एक छोटा सा फ्लावर होता है और जैसे आप उसको तोड़ते हो बहुत नाजुक होता है जो उसकी जो पेटल्स होते हैं वो रुई की तरह होते हैं जैसे ही तोड़ो या फिर फूक मारो तो एकदम से उड़ जाते हैं हवा में गिर जाते हैं बहुत नाजुक से फूल होते हैं तो उसको हम डेंडेलियंस बोलते हैं ठीक है तो एक डेंडेलियन जिसके जो हेड है यानी ऊपरी हिस्सा जो है पेटल्स का वो गोल्डन था कुछ दिनों पहले हैज हैजर्ल्ड टू एयरी पैराशूट्स और अब क्या हुआ अब वो सूख के पैराशूट का मतलब है क्योंकि अब वो उड़ रहा है ठीक है टूट टूट के जो उसके पेटल्स हैं वो उड़ रहे हैं और हम जैसे उसको फूक मारते हैं तो आवाज़ करते हैं और फिर आसमान में उड़ने लग जाते हैं और फिर इधर उधर गिरते हैं तो हम उसको डेंडेलियन का फूल कहते हैं ठीक है तो हमें ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं कहाँ पे मिडोज़ में एक्सप्लोर द मिडो हाउसेस द बरोज इन द ग्राउंड और हम जो मिडोज़ uh, हाउसेस का मतलब है जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जैसे कि हम ले सकते हैं जैसे रैबिट है और कई सारे बर्ड्स भी ऐसे ऐसे हैं जो घास के मैदान में अपने घोंसले बनाते हैं अपने घर बनाते हैं जो लंबे लंबे घास होते हैं ना वहाँ पे एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस द बरोज इन द ग्राउंड जो कि नीचे धरती के नीचे बने हुए हैं अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस जहाँ पे लंबे लंबे घास होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे नेस्ट मिल सकते हैं हमें क्योंकि ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको मतलब वो पेड़ पे स्टे ना करके जमीन पे ही रहते हैं घास के मैदान में अपने अंडे देते हैं घोसला बनाते हैं घर वगैरह बनाते हैं द आंट्स अमेजिंग माउंट और चीटियाँ वो तो ज़मीन पे ही रहती हैं तो वो भी अपना घर वहीं पे बनाते हैं मिडोज में ठीक है नीचे यानी घास के मैदान जो होते हैं उन पर ही अपना घर बनाती हैं सारे ओ मिडोज हैव सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग्स टू टेल तो जो मीडोज़ हैं उनमें बहुत सारे सरप्राइजे सरप्राइजेज़ का मतलब है ऐसी चीज़ें कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हम अगर उनको देखेंगे तो हम सरप्राइज हो जाएंगे हम चौक जाएंगे हम खुश हो जाएंगे कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें कुछ होती हैं और बहुत सारी बातें हैं मीडोज़ के बारे में जो कही जा सकती हैं बताई जा सकती हैं यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ और आप शायद खुद से इन सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल अगर हम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो ठीक है तो ये जो पोएम है मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई ये पोएम और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये पोएम यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेल मी ओवर हियर इन द कॉमेंट बॉक्स दैट इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग